तो इसको अब बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, पूरा जोर लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बाबा बाइडेन फोन पे ही बात कर ले, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने घास नहीं डाली तो बना ली। तो एक पिक्चर शेयर की है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें वो जो बाइडन उनकी मिसेस के साथ खड़े हैं। नहीं पता नहीं वो कहाँ गलती से कोई पुरानी पिक्चर ही कट पेस्ट करके लगा दी होगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये फोन पे भी बात बाबा जी उनसे नहीं कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं और उनका अमला और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इंतजार करते हैं। टेलीफोन की तरफ नजर है कि अमेरिका से फोन आएगा, अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और फोन नहीं आया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो लीडरशिप है, कोई अमेरिकन लीडर टिल नाउ अभी तक उनको कोई नहीं मिला। इसी दौरे में अगर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को देखा जाए तो उनके मुलाकात जो है वो हुई है, जो अमेरिकी सदर हैं उनके साथ हुई है या मोदी की भी हुई है। इस वक्त सवाल यह है कि जी पाकिस्तान क्या कर सकता है। अच्छा, एक पहलू इसका जरा मैं एक और एंगल से इसको देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बैनर अकामी एंगेजमेंट्स होती है, जहाँ पे इंडिया भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको कंपेयर करते हैं। ये जो बाहर से यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहां पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरूने मुल्क जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है, ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकोनॉमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर दो चर्चे काफ़ी जोरों शोरों से हैं कि एक तो अभी अमेरिका का जो विजिट हुआ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, उनसे वहां पे अमेरिका में किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट देशों के लीडर्स ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कोई भाव नहीं दिया, यानी उनसे कोई 1-to-1 मीटिंग भी नहीं हुई। तो वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अमेरिका के जो बाइडन ने एक नहीं दो बार कई बार मुलाकात किया ही, बल्कि उसी के साथ साथ कई दूसरे देशों के लीडर्स ने भी मोदी जी से मुलाकात की, और यहाँ तक कि इसमें बांग्लादेश के गवर्नमेंट के केयर टेकर बने मोहम्मद यूसुफ को भी जो बाइडन मिले, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पूछा तक नहीं। जिस पर कई पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यह कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास न देने के लिए कुछ है न लेने के लिए कुछ है, यानी एक भिखारी जैसी हाल है। तो ऐसे भिखारी देशों के लीडर्स से अमेरिका का जो बाइडन तो मिलने से रहा, बल्कि अब तो दूसरे देश भी पाकिस्तानी PM से कन्नी काटने लगे हैं। और यही हाल पाकिस्तानी जनता का भी है, जिनको न सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड बल्कि अब उम्मा के देश भी उनको लात मार के भगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेट्स वीडियो को। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा मुर्शिद पाक। मियां साहब छोटे आए थे, उन्होंने सिर्फ दो खाने खाए हैं उन्होंने यहाँ पे। एक उन्होंने खाना खाया था ब्रुनाई का, 40 साल उनको यूनाइटेड नेशंस में हो गए, उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एंजॉय किया, मुर्गी वगैरह खाई उन्होंने वहां जाकर। तीसरा बंदा किसी ने बुलाया ही नहीं यहाँ पे। पूरा जोर लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बाबा बाइडन फोन पे ही बात कर ले, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने घास नहीं डाली। डॉक्टर यूनुस आए हैं यहाँ पे और बाबा जी ने उनको गले लगा लिया बाइडन ने। तो एक पिक्चर शेयर की है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें वो जो बाइडन उनकी मिसेस के साथ खड़े हैं। नहीं पता नहीं वो कहाँ गलती से कोई पुरानी पिक्चर ही कट पेस्ट करके लगा दी होगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये फोन पे भी बात बाबा जी उनसे नहीं कर रहे थे। दो कौमें आपके पाँव में पड़ गई, UAE का वीजा बंद कर दिया उन्होंने, जो 10 लाख भाग के जा रहा है वो बाहर जाकर खैरात मांग रहे हैं, वो बाहर जाकर फ्रॉड कर रहे हैं। कल परसों की खबर है कि आपके हमारा सबसे हाईएस्ट मुलाजिम ग्रेड जो होता है 22nd, 22nd ग्रेड के सेक्रेटरीज के वीजे UAE ने रिजेक्ट कर दिए। सऊदी अरेबिया आपके पांव में पड़ चुका है कि खुदा रा ये मांगने वाले हाजियों को यहां ना भेजो। हज का वीजा लेके जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ जेब काटते हैं। मैंने खुद जाकर कई दफा हरम शरीफ के अंदर बैठा तो मुझसे कई पाकिस्तानियों ने कहा जी मेरा जेब कट गई है जी, मेरे पास ना पासपोर्ट है ना खाने को कुछ है। एक लफ्ज मैंने उनसे हमेशा कहा कि यार मैं तो यहां से खुद कुछ मांगने आया, तो वहां से क्यों नहीं मांगते, खुदा के घर में भी बैठ के मुझसे मांग रहे हो, ये कैसा तुम्हारा फेथ है यार, कैसा तुम्हारा बिलीफ है ये, तो फिर इसके बारे में बोलूं ना क्या करूं, तालियां बजाऊं इसको, सेलिब्रेट करूं मैं इसको। बाहर बाहर की कौमें भी अब मिंटन तरला शुरू कर, उन्होंने मिंटे कर रही है कि खुदारा इनको यहां ना भेजो। अब मैं बताना चाहूंगा कहां साहब को, पिछले हफ्ते 10 दिन से जिस दिन से IMF का पैकेज आया
उनको ये शक पड़ चुका है कि शायद अब पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि कर्जे आपके दो दो ढाई ढाई साल आगे हो चुके हैं, कहीं ये दो ढाई साल डिले ना हो जाए मेरी पावर पॉलिटिक्स। उसका हल उन्होंने फौरन निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब एहतजाज नहीं, अब जलसे नहीं होंगे, अब जंग होगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो भी चला रहा है उसको दो तीन दफा रिवाइंड करके वो सुननी चाहिए। उन्होंने कहा मैं इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, गोली का जवाब 10 गोलियों से दूं। दूसरी बात यह है कि जो यकीनी तौर पर जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि ये कोई अमेरिका का दौरा नहीं था, बल्कि वहां पे जनरल असेंबली इजलास में जाना और वहां की एक्टिविटीज थी, लेकिन इसी दौरे में अगर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को देखा जाए तो उनके मुलाकात जो है वो हुई है, जो अमरीकी सदर हैं उनके साथ हुई है, या मोदी की भी हुई है, यकीनी तौर पर पहले उन्होंने अरेंज किया होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो जब इमरान खान साहब थे उन पर चार साल ये था, तनकीद भी होती रही कि वो इंतजार करते रहे, फोन का फोन नहीं आया, लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले दो साल हो गए हैं, मौजूदा जो सेटअप है, जो रजीम है, पीडीएम हुकूमत कहें, नून लीग कहें, जिसको भी कहें, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, काकड़ साहब थे, फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कोई कॉल नहीं आई। जो ये हुआ है शाइये पे जो तस्वीर बनी है, इसके हवाले से भी बताया जाता है कि ये 40 सेकेंड की थी, और क्योंकि वहाँ सरबराहाने मुमलिकत आए होते हैं और वो इशाया दिया होता है तो सारे आए होते हैं, तो उसमें तो इस किस्म की जो तस्वीर बनाना या इस किस्म की चीज़ हो जाती है, लेकिन उस हवाले से भी अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई कि कोई मुलाकात हुई है या कोई बातचीत हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजर में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मैं जो कम्युनिटी इंट्रैक्शन है उस पर बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, इंडियन भी हैं, ये हमने देखा है। और अभी भी मोदी जब गए अमेरिका में, वहाँ पे उनका बहुत बड़े पैमाने पे जो कम्युनिटी के साथ उन्होंने खिताब किया, ऐसे लगता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसमें जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो पीटीआई के लोग हैं। इस वजह से जब भी जो पीटीआई के अलावा अगर कोई वहाँ पे जाता है तो इस तरह का कोई इंट्रैक्शन होता ही नहीं है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे थे तो उसके बाहर पीटीआई ने कोई एहतजाज का भी किया हुआ था, तो फिर कम्युनिटी इंट्रैक्शन इस वजह से भी नहीं किया जाता कि इनके खिलाफ नारे लग गए। तो मेरे ख्याल में ये जो बदकिस्मती है, वगरना जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, किसी भी मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो हमारी ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनको वो जो है वो इज्जत और उनको वो जो है वो तौकीर मिलनी चाहिए। अब मोदी का मैं देख रहा था कि उनके जो ये मुख्तलिफ सीईओज हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, एक्स है, फेसबुक है, गूगल है, उस पर उनके जितने भी लोग हैं, उन्होंने सारे वो इकट्ठे किए हुए थे और उनके साथ उसकी एक मीटिंग हुई है कि जितने भी वहाँ मुख्तलिफ शोबों में इस तरह के हेड्स हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी होंगे, डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, उनके साथ इनकी कोई इंट्रैक्शन हो, मीटिंग हो, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा जेस्चर होता, या इसमें कम से कम सोच में तब्दीली लानी चाहिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को भी, कि अगर प्राइम मिनिस्टर गया है तो ठीक है, आप एक दायरे के अंदर रहकर उनसे सवाल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको ऐसे खदशा होता है कि शायद कोई मिसबिहेव कर देगा। तो ये मैंने एक तब्दीली देखी है जो मोदी और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर जाता है।